आइए साथियों, नमस्कार, राधे राधे। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं साथियों आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। ठीक है साथियों, तो आज आप लोगों के लिए एक बेहतरीन टॉपिक लेकर आया हूं साथियों, जिसका नाम है HCF एंड LCM, यानी कि महत्तम समापवर्तक तथा लघुत्तम समापवर्तक। ठीक है साथियों, तो आइए मैं इसी की बात करता हूं। देखिए, चैप्टर बहुत ईजी है, कतई घबराने वाली बात नहीं, एकदम जहर बात बताऊंगा तो आप अच्छे लेवल की अच्छे तरह से सीख जाएंगे। ठीक है साथियों, जीरो लेवल से बताएंगे, जीरो टू हीरो लेवल। तो इस वाले पार्ट में बिल्कुल बेसिक बात होगी, बाकी जो अगला पार्ट आएगा साथियों ना, उसमें हम RS अग्रवाल के सभी क्वेश्चन करेंगे साथियों। तो मैं सोचा एक वीडियो जो है 10-15-20 मिनट का बेसिक बन जाए, ताकि आप बात समझ जाए LCM क्या होता है, SCF क्या होता है साथियों। ठीक है साथियों, तो आइए स्टार्ट करते हैं एक नए उमंग के साथ। कतई घबराना नहीं, एकदम आराम आराम से पढ़ाएंगे। ठीक है, जीरो टू हीरो, यानी कि जिस विद्यार्थी को मैथ नहीं आता है, दुनिया के सबसे कमजोर विद्यार्थियों का मैं गोविंद यादव अपने इस चैनल में स्वागत करता हूं साथियों। आप हमारे ऊपर भरोसा रखिए, मैं आपको पक्का सिखा दूंगा साथियों। ठीक है, तो आइए सीखते हैं। सबसे पहले हम LCM सीखेंगे। ठीक है, LCM होता क्या है, एकदम बेसिक से सीखेंगे। देखो बाबू, LCM की अगर मैं फुल फॉर्म की बात करूं तो लोवेस्ट कॉमन ऑफ मल्टीपल, यानी कि लोवेस्ट को हम लिस्ट भी बोलते हैं। लोवेस्ट माने होता है छोटा, कॉमन माने होता है जो सब में मिल जाए, मल्टीपल माने बाबू क्या होता है, गुना। समझ में कोई दिक्कत किसी को? नहीं। जैसे एक छोटी सी बात समझो, मैं अगर आपसे कह दूं 8 और 12 का LCM बताओ क्या होता है। LCM का मतलब होता है लोवेस्ट कॉमन ऑफ मल्टीपल, लोवेस्ट कॉमन ऑफ मल्टीपल। तो मल्टीपल का मतलब होता है बाबू गुना। तो सबसे पहले इनका हम क्या करते हैं, गुना, है ना। गुना का मतलब वही पहाड़ा होता है। तो पहाड़ा लिखिए, 8 गुना में 16, 8 त्रिक 24, 8 चौक 32, 8 पचे 40, 8 छक 48। अब आइए 12 का पहाड़ा लिखिए, 12 गुना में 24, 12 तिया 36, 12 चौक 48, 12 पचे 60। ये कहानी अनंत तक चलती रही। LCM का मतलब होता लोवेस्ट कॉमन ऑफ मल्टीपल, यानी कि मल्टीपल गुणक तो हो लेकिन सबसे छोटा हो। तो देखिए, ये देखो गुणा हमने लिख लिया। अब दूसरी बात, कॉमन पे आ जाए तो कॉमन दोनों में क्या, तो आप कहेंगे 24 है। दूसरा कॉमन क्या है, आप कहेंगे ये वाला है, आप कहेंगे पहला कॉमन ये है, दूसरा कॉमन ये है। इसी तरीके से ये कॉमन चलता रहेगा साथ में। लेकिन मैंने सवाल में क्या बोला, LCM का मतलब तो लोवेस्ट कॉमन ऑफ मल्टीपल, यानी कि सबसे छोटा कॉमन। तो सबसे छोटा कॉमन क्या है साथियों, 24। और 24 इस सवाल का क्या है साथियों, आंसर। यानी कि कोई भी चीज ना डिटेल से ही बनी है। ये नहीं समझिए कि तुरंत आया पहले ही बाल पे छक्का उड़ा के मार दिया, गलत बात है जी। एकदम धीरे धीरे हम सीखेंगे और आराम से। ठीक है, यानी कि कॉन्सेप्ट जो होते शॉर्टकट ना डिटेल से ही बनता है साथियों। समझ में आया। अब आइए दूसरी बात, एक ये तो हो गया ये चीज। अगर मैं आप लोगों से कह दूं 15 और 10 का LCM बताओ, 15 और 10 का LCM बताओ, तो 15 का पहाड़ा लिखिए, 15 गुना में 30, 15 तिया 45, 15 चौका 60। इसी तरीके से इसका पहाड़ा लिखो, 10 गुना में 20, 10 तिया 30। तो सबसे छोटा पहला वाला कॉमन क्या मिलता है साथियों, 30। और 30 ही सवाल का क्या है, आंसर। लेकिन क्या अगर मैं बोल दूं 131 है कोई, और कोई एक नंबर बोल दूं, तो क्या 131 का पहाड़ा लिख पाना संभव है? तो आप कहेंगे सर जी नहीं है। तो इसके लिए देखते हुए मैथमेटिशियन भाई कोई रहा होगा, एक नई ट्रिक बनाया। क्या बनाया, उस वाली बात पे हम समझते हैं। इसको स्क्रीनशॉट लीजिए अगर बेसिक बात बिल्कुल जाननी है तो। ठीक है, अब इसको हटाते हैं, क्वेश्चन वही है, इसको एक ही ट्रिक बताएंगे। उसी ट्रिक से आप लोगों को पता भी होगा अगर आप लोग जानते होंगे। देखिए, गुणनखंड वाला ट्रिक, यानी कि जिसको फैक्टर वाले बोलते हैं, तो कर लीजिए 8 12। ठीक है, LCM लेना है, 2 से काटेंगे, 2 चौका 8, 2 छक 12, 2 दुना 4, 2 तिया 6, 2 एकन्ना में 2, 3 नहीं कटेगा, लास्ट में 3 से काट देंगे, एक है 3 एकन्ना में 3, जो यहाँ पे सबका गुणा कर दो, 3 दुना में 6, 6 दुना में 12, 12 दुना में 24। तो आप सब नोट किए होंगे, तो इसका आंसर भी क्या आया था साथियों, 24 आया था। ठीक है, इसी प्रकार से इसका LCM अगर निकालेंगे तो देखो 15 10, ठीक है 15 और 10। तो क्या करिए आप, 15 और 10 जैसे इसको किससे काटेंगे, आप कहेंगे 2 से,
सम संख्या एक मिल गई ना, तो दो से कटेगी, 15 तो नहीं कटेगा, 2 × 5 = 10, ठीक है। अब देखो ये 2 से नहीं कटने वाला, आप किससे काटेंगे, 3 से, 3 × 5 = 15, 5 नहीं कटेगा, उतार लीजिए, लास्ट में 5 से कट जाएगा, 5 × 5 = 5, 3 × 5 = 15, 15 × 2 = 30, और इस सवाल का आंसर क्या है साथियों, 30, ठीक है। उम्मीद करते हैं प्रिय विद्यार्थीगण आप जरूर इस बात को समझ पा रहे होंगे, ज्यादा वीडियो लंबा नहीं होगा, एकदम बेसिक सा, ठीक है साथियों। अब आइए इसको हटाते हैं, हटाए ना भाई, कोई दिक्कत किसी को नहीं। इसी प्रकार से एक छोटा सा सवाल दे रहा हूं बाबू, करके दिखाइए, अगर मैं आपसे कह दूं 12 और 16 का एलसीएम निकालो, एकदम इजी है, करो जी, 12 और 16 का, बिल्कुल आसान कहानी है जी, क्या 12 लिखिए और 16 लिखिए, गुणनखंड वाला मेथड लगाओ, 2 से काटेंगे 2 × 6 = 12, 2 × 8 = 16, फिर 2 से काटेंगे 2 × 3 = 6, 2 × 4 = 8, फिर 2 से काटेंगे, ये तो कटेगा ये नहीं कटेगा, 2 × 2 = 4, फिर 2 से काटेंगे 3 नहीं कटेगा, 2 × 1 = 2, लास्ट में 3 × 3 = 3, ये एक है, गुना कर लो, 3 × 2 = 6, 6 × 2 = 12, 12 × 2 = 24, 24 × 2 = 48, और 48 इस सवाल का क्या है साथियों आंसर है। कोई दिक्कत किसी विद्यार्थी को, यही होता है एलसीएम, कितना भी बड़ा कोई वैल्यू हो आप एलसीएम निकाल लेंगे, चाहे 3 हो चाहे 4 हो। जैसे एक सवाल अगर मैं बोल दूं, क्या कहूं भाई, मैं कह दूं 12, 15 और 10 का एलसीएम बताओ क्या होगा, तो वही बात है जी, 2 × 6 = 12, 15 नहीं कटेगा, 2 × 5 = 10, अभी ये सम संख्या है, 2 × 3 = 6, 15 नहीं कटेगा, 5, 3 से काटेंगे, 3 × 3 = 3, 3 × 5 = 15, और 5 नहीं कटेगा, लास्ट में 5 से काट लीजिए, 5 × 3 = 15, 15 × 2 = 30, 30 × 2 = 60, यही सवाल का क्या है आंसर है, ठीक है साथियों। कोई दिक्कत, स्क्रीनशॉट लीजिए, अब थोड़ा एससीएफ समझ लीजिए, एससीएफ क्या होता है, ठीक है, कोई दिक्कत किसी को नहीं, हटाया ना भाई, एससीएफ समझिए, एससीएफ क्या होता है, एससीएफ का फुल फॉर्म साथियों होता है ना, हाईएस्ट कॉमन ऑफ फैक्टर, यानी कि सबसे बड़ा कॉमन जो हो वही सवाल का क्या है आंसर, यानी कि दो नंबरों का फैक्टर का सबसे बड़ा कॉमन सवाल का क्या है आंसर है साथियों। जैसे अगर मैं कह दूं 12 और 16 का एससीएफ बता दीजिए, तो 12 को आप क्या लिख सकते हैं, 12 × 12 = 12, 6 × 2 = 12, 3 × 4 = 12, इसके अलावा 12 का कोई भी फैक्टर नहीं बन सकता, फैक्टर का मतलब होता है गुणनखंड, ठीक है, तो इसका गुणनखंड यही। इसी प्रकार से 16 का करेंगे, 16 × 16, 8 × 8 = 16, 4 × 16, एससीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन ऑफ फैक्टर, यानी कि सभी फैक्टरों में जो सबसे बड़ा कॉमन हो वही सवाल का आंसर है। देखिए पहला कॉमन 1 है, यहां पे 1 है, दूसरा कॉमन क्या है, 2 है, 2 भी है, तीसरा कॉमन क्या है साथियों, 4 है। अब देखो 1 भी दोनों में कॉमन है, 1 यहां भी है, यहां भी है, 2 यहां भी है, 2 यहां भी है, 4 यहां भी है, 4 यहां भी, बताओ इन सभी कॉमन में सबसे बड़ा क्या है, तो आप कहेंगे साथियों 4 है। एक तो कॉमन, देखो कॉमन का मतलब जो दोनों में मिल जाए, क्या हो जाए, जो दोनों में मिल जाए, एक तो यहां यहां एक भी मिला, यहां भी एक मिला, क्या एक आंसर है, नहीं एक आंसर नहीं है, दो भी मिला, दो कब होता, मान लीजिए यहां पे ये वैल्यू नहीं होती तो दो सवाल का आंसर होता, लेकिन अब यहां पे इससे बड़ा क्या है, 4 यहां भी, 4 यहां भी, तो सवाल का आंसर क्या होगा साथियों, 4, यानी कि एससीएफ क्या हो गया इस क्वेश्चन का, 4। लेकिन क्या अगर 1000 लाख करोड़ ऐसा आ जाए तो आप ऐसा कर पाना संभव है, बिल्कुल नहीं, तो उसके लिए दूसरा ट्रिक क्या है, लंबी भाग विधि जो अपने भारत में ही खोजी गई उसकी बात मैं करता हूं साथियों, वही मेथड हमेशा लगाएंगे, बड़े से बड़े सवाल को उसी मेथड से सॉल्व करेंगे, बाकी जिसमें 4-5 आएगा उसका एक अलग मेथड है। देखिए पहले एक और शॉर्टकट ट्रिक होता है उसको भी बता देते हैं, और लास्ट में मैं लंबी भाग विधि का बात कर लूंगा।
अभी देखो दोनों संख्या सम दिख रही है कि नहीं? आप कहेंगे सर जी दिख रही है। सम का नियम होता है वह संख्या जिसके लास्ट वाला अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो उसको हम क्या कहेंगे? सम संख्या कहेंगे। क्या कहेंगे साथियों? सम संख्या। 0, 2, 4, 6, 8 हो उसको हम क्या बोलेंगे साथियों? सम संख्या बोलेंगे। कोई समस्या किसी विद्यार्थी को? नहीं। तो बाबू अगर ये सम संख्या दिख रही है ना, तो सम संख्या हमेशा दो से कटता है। किससे कटता है? दो से। तो दो से काटेंगे, लेकिन जान लीजिए जिससे काट रहे हैं ना उसको लिखते जाइए। दो से काटा, दो लिख लिया, 2 × 6 = 12, 2 × 8 = 16। किससे मैंने काटा साथियों? आप कहेंगे दो से। फिर से दोबारा काटिए, क्यों? क्योंकि फिर से सम संख्या आ गया। तो 2 × 3 = 6, 2 × 4 = 8 कट गया कि नहीं? अब बताओ इसके बाद ये कटेगा? आप कहेंगे सर जी नहीं कटेगा। क्यों? क्योंकि एक विषम आ गया, एक सम आ गया। समझ लिया? एक ही नंबर से नहीं काटा जा सकता, और नहीं काटा जा सकता। दो बार हमने दो से काटा है, एक बार यहां पर काटा था, एक बार यहां पर काटा था। तो 2 × 2 = 4। यही सवाल का क्या है साथियों आंसर। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो मेथड है लंबी भाग विधि, मैं उसी का बात करूंगा साथियों, ठीक है? कोई दिक्कत किसी विद्यार्थी को? नहीं। अब आइए जी, जो लंबी भाग मेथड होगा ना, मैं उसी का बात कर लूंगा, तो उसका बड़ा जरूरी होता है, उसी को सीखना भी है आप लोगों को, ठीक? ठीक है, आइए प्यारे साथियों, अब मैं लंबी भाग विधि की बात कर लेता हूं। अब आइए साथियों, लंबी भाग विधि की बात करते हैं, उसको समझिए। जैसे 12 क्या था? 12 और 16, यही दो सवाल था। मैंने कहा था इन दो नंबरों का एचसीएफ बताओ। तो लंबी भाग विधि क्या कहता है साथियों, उसी को समझो। क्या कहता है? जैसे 12 यहां पे रखें, सबसे छोटा नंबर क्या है इसमें? तो आप कहेंगे 12। तो 12 को यहां पे रखिए और 16 को अंदर रखिए। तो 12 के नाम है 12, बचा क्या? 4। यहां पे ऐसा वाला बना लीजिए, इस 12 को उठा के यहां पे लाइए, 4 × 3 = 12, पूरा पूरा कट गया। और जहां पे कटता है ना, आखिरी भाजक सवाल का क्या होता है साथियों? आंसर होता है। आखिरी भाजक क्या होता है साथियों सवाल का? आंसर होता है। तो आखिरी भाजक क्या है? तो आप कहेंगे सर जी 4 है। तो एचसीएफ क्या हो गया? 4 हो गया साथियों। स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है? अब आइए अगला क्वेश्चन करते हैं साथियों। कोई दिक्कत किसी विद्यार्थी को? नहीं। मैंने सिर्फ इस वाले बात में समझाया है एलसीएम एचसीएफ होता क्या है। वहां से जो सवाल बनते हैं अग्रवाल मैथ के, हम बहुत सारे सवाल करेंगे, तो वहां से सभी सवाल को मैं बताऊंगा। कोई दिक्कत किसी को? नहीं। एक सवाल और छोटा सा करते हैं, बता देना उसका आंसर क्या है, ठीक है? कोई समस्या किसी को? नहीं। अब आइए अगला एक सवाल कर लेते हैं, 84 और 112, एचसीएफ बताओ साथियों क्या होगा? तो आप क्या करिए, इन दोनों नंबरों में छोटा क्या है? तो आप कहेंगे सर जी 84। छोटा क्या है? 84। 84 छोटा है ना, तो 84 को यहां पे रखो। जो बड़ा नंबर है इसको ऐसे लो, 112 करो भाई। कितनी बार भाग जाएगी? आप कहेंगे सर जी एक बार। लो एक बार लगा लो। 12 में से 4 जाएगा, क्या बचेगा? 8। 10 में से 8 जाएगा, क्या बचेगा? आप कहेंगे 2, 28। कोई समस्या किसी को? नहीं। 84 को यहां पे ले। कितनी बार जाएगी भाई भाग? हमें लगता है 8 × 3 = 24, 3 बार हो सकता है जाए, वैसे देख लेते हैं। 30 × 90 होता ना, हाँ 3 बार जाएगी भाग। देखिए 3 बार भाग जाएगी, तो 3 × 24 = 4, और 3 × 2 = 6, 6 × 2 क्या होता है? 8। 84 हो गया, 2 बच गया। अब यहां पे फिर ऐसे बनाइए, इस 28 को यहां पे लो, तो 2 × 1 = 2, कितना बच गया? ये पूरा कट गया, 8 उतारो, 2 × 4 = 8। यहां पे पूरा पूरा कट गया, वही सवाल का क्या होता है साथियों? आंसर होता है। तो इस सवाल का एचसीएफ क्या है साथियों? 2 है। किसी विद्यार्थी को कोई समस्या? नहीं।
कैलकुलेशन बढ़िया ढंग से करेंगे तो कोई समस्या हो ही नहीं सकती साथियों। देखो 84 का नाम 84, 12 12 में से 4 जाएगा, आप कहेंगे सर जी 8 बचेगा, यहाँ पे अब 0 बचा तो ये हो गया 10, और 10 में से 8 जाएगा तो क्या बचेगा 2, ठीक है कोई समस्या किसी को। 28, 28 को हमने 3 बार, 28 28 तिया 84 होता है 84, ठीक है अब यहाँ पे 2 निकाल दिया, कोई समस्या किसी विद्यार्थी को, नहीं 2 से भाग दिया 14 बार कट गया, तो जहां पे पूरा कट जाता है यानी कि आखिरी भाजक सवाल का क्या होता है साथियों, आंसर होता है। कोई समस्या किसी विद्यार्थी को, ठीक है अब आइए भाई अगले सवाल पे बढ़ते हैं, एक सवाल और करेंगे साथियों, फिर इस सेशन को हम यहीं पे खत्म करते हैं। 2-3 बेसिक बातें हम बता देंगे, बाकी अगले पार्ट में जैसे अग्रवाल करेंगे वहां पर सब चीजें आपको मिल जाएंगे, ठीक है। अब आइए यहां से एक सुनहरी चीज बनती है, क्या बनती है, एक सूत्र है, छोटा सा सूत्र है, उसको नोट करिएगा कि पहले संख्या का गुणनफल और दूसरे संख्या का गुणनफल ये बराबर होता है एचसीएफ गुना में एलसीएम के, ये दोनों चीज आपस में क्या होती है साथियों, बराबर होती है। और अगर ये दोनों बराबर होती है ना, तो यहां से अगर सवाल में ना कोई भी तीन वैल्यू दे दे और सवाल में ना एक पूछ सकता है, जैसे अभी थोड़ी देर पहले आपने सवाल क्या किया था भाई, 12 और 16, मान लीजिए पहला नंबर 12, दूसरा नंबर क्या है 16, एचसीएफ आपने निकाला था क्या आया था 4, सवाल में पूछ दे 2 नंबर है उनके 12 और 16, उनका एचसीएफ 4 है, तो एलसीएम ज्ञात करो। अब एलसीएम आप ज्ञात कर सकते हैं, एलसीएम को आप क्या मान लें, एक्स, क्या मान लें साथियों, एक्स मान लें, तो 4 से काटेंगे 4 चौका 16, कोई समस्या है किसी विद्यार्थी को, नहीं कोई समस्या है, नहीं तो 12 चौका 48, यानी कि सवाल का आंसर क्या था 48, यानी कि एलसीएम क्या है साथियों 48 है। और अगर आप गौर से देखेंगे तो 12 और 16 का अगर एलसीएम निकाले होंगे साथियों 48 ही आता है, कोई दिक्कत किसी विद्यार्थी को, नहीं ठीक है साथियों। तो ये चीजें थी इसमें एचसीएफ और एलसीएम होता क्या है, तो इन बात को हमने सिखाया, लंबी भाग विधि से हम ज्यादातर सवाल को सॉल्व करेंगे साथियों, ठीक है। तो इस सेशन को हम यहीं पे रखते हैं साथियों, यहां तक देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, ज्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए साथियों, पूरा अग्रवाल मैथ इससे मैं कंप्लीट करूंगा साथियों, ठीक है तभी फिर कोई बात बनेगी, और रीजनिंग भी आपको पूरा कंप्लीट फ्री में मिल जाएगा साथियों, ठीक है साथियों। तब तक के लिए साथियों बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, मिलते हैं साथियों आपसे नेक्स्ट क्लास में।